जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में, जहां रीसेंट टाइम की इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और एक अपडेट फिर से आ रही है कि जितने भी सैलरीड हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ट्रस्ट हैं, इन पर अब इनकम टैक्स का शिकंजा कस रहा है। बताया गया है कि करीब करीब 22,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें नोटिस भेजे हैं टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। किस तरह का ये नोटिस है, क्या क्या बातें मेंशन की गई हैं, क्या क्या इन पर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, जानेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी डिपार्टमेंट की तरफ से 5,00,000 लोगों को अलर्ट दिया जा चुका है जिन्होंने एडवांस टैक्स नहीं पे किया या फिर कम पे किया। उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में कि यहां पर क्या बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो यहां पर कहा गया है कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं और जिनकी डिस्क्रिपेंसीज सामने आ रही हैं, उन्हें नोटिस भेजे हैं डिपार्टमेंट ने, और बहुत बड़ी तादाद है, 22,000 के करीब ये टैक्स पेयर्स बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल हमारे बीच मौजूद है, जिसकी हेडलाइन आपसे कहती है कि सैलरीड हाई नेटवर्थ ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स लेंस फॉर मिसमैच इन टैक्स फाइलिंग। यानी कि भाई टैक्स फाइलिंग में काफी मिसमैच है, इस वजह से जितने भी सैलरीड हो लोग हैं जिनके हाई नेटवर्थ है उनके पास, और ट्रस्ट जो चलाते हैं उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गया हुआ है। यहां पर मेंशन किया गया है कि करीब करीब 22,000 ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके पास ये नोटिस भेजे गए हैं, जिनके अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ट्रस्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जिनको HUFs भी कहते हैं, क्योंकि भाई डिस्क्रिपेंसीज थी दोनों के डिडक्शन और क्लेम के बीच में। क्या क्या बातें हैं आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो बताया गया है कि डिपार्टमेंट ने ये जो नोटिसेस इशू किए हैं 22,000 करीब के लोगों को इशू किए हैं, और कहा गया है कि डिस्क्रिपेंसी है, जो भी डिडक्शन इन्होंने क्लेम किया है, अपने रिटर्न फाइल किए हैं, वहां पर इन्फॉर्मेशन या तो सही नहीं अवेलेबल की है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास से निकाली है। बताया जा रहा है ये जो इंटीमेशन नोटिस हैं, बताए जा रहे हैं कि टैक्स रिटर्न्स को लेकर ही ज्यादातर फोकस करते हैं, जिन्होंने 2023-24 में फाइल किया था और उनके जो डिस्पैच हैं वो विद इन 15 दिन के अंदर रहे। अब हम बात करते हैं कि किनको किनको भेजा गया है। जैसे कि हमने पहले ही बात करी है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जो कि खुद भी अपना पैन कार्ड बना के उनसे फायदे उठा सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास से निकाली है। बताया जा रहा है कि जितने भी ये इंटीमेशन नोटिस हैं ये सब टैक्स रिटर्न को फोकस करते हैं जो 2023-24 में फाइल किए गए हैं, के अंदर डिटेल्स में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जहां पर इन्हें कुछ संदेह मिलता है। किन किन लोगों को भेजे गए हैं पहले ही हमने आपसे डिस्कस किया है, जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे लोग हैं, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ट्रस्ट हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, उनको ये नोटिस भेजे गए हैं। और ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है जब 22,000 लोगों को ऐसे ही ये नोटिस जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये सारा डेटा निकल गया है ये डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से एनालाइज किया है, और ताकि जितनी भी इररेगुलरिटीज हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं और टैक्स डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है टैक्स पेयर्स की, उसको उजागर किया जा सके। डेटा एनालिसिस एक तरह का पार्ट है डिपार्टमेंट के एफर्ट्स का, ताकि इंश्योर किया जा सके टैक्स कंप्लायंस एंड एक्यूरेसी इन फाइलिंग रिपोर्टिंग। मैं आपको बता दूं पहले ऐसे नहीं होता था इतना, लेकिन काफी दिनों से ये चीजें होने लग गई हैं। हम देख रहे हैं कि काफी अलर्ट हो गया है हमारा टैक्स डिपार्टमेंट, और ये हो भी ना क्यों भाई, हमारा जो रेवेन्यू है देखा जा रहा है कि जो ग्रॉस रेवेन्यू था वो काफी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो हमारा नेट रेवेन्यू है उसमें बता रहे हैं कि नेगेटिविटी आ रही है। इस तरह से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम टैक्स जितना भी है वो सही से कलेक्ट करें। यहां पर एक और बात मेंशन की गई है, जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जितने भी लोग हैं जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं, वो ऑप्शन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इनके पास ऑप्शन है कि भाई या तो ये जितना भी आउटस्टैंडिंग टैक्स रह रहा है उसको इंटरेस्ट के साथ भर दे फिर से एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके, या फिर ये बिल्कुल एकदम डिटेल में बताएं कि क्या क्या यहां पर डिस्क्रिपेंसी आ रही है और क्यों आ रही है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो इसके बाद की बात भी मैं आपको बता देता हूं कि ये पहला नोटिस है, इसके बाद डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्लैरिफिकेशन के बाद ये सारी चीजें रह सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है बीते कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा एक्टिवली लोगों को नोटिस भेज रहा है, लोगों को बता रहा है, अलर्ट कर रहा है कि आपको जो अपने टैक्सेस हैं वो सही टाइम पर पे करने हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है इसके पीछे की खास वजह, बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स हम सही वक्त पर पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।